और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। चिल्ड्रन, टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड सनी, जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी नहीं थे। बट वन डे सनी मेड अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया एंड फ्रॉम दैट डे हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सभी उससे बहुत खुश रहने लगे और उसको प्यार करने लगे। द नेम ऑफ द स्टोरी इज सनीज प्रॉमिस। सनी अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक सिटी में रहता था। सनी बहुत शैतान था। वह अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था और ना ही उनकी बात को मानता था। ही ऑल्सो बिहेव्ड रूडली विद देम, जिसके कारण उसको सभी से डांट पड़ती रहती थी। कभी कभी तो नेबर्स भी कंप्लेन लेकर घर आ जाते थे। घर में सभी सनी को समझाते कि यू शुड नॉट फाइट, बी पोलाइट, रिस्पेक्ट एंड ओबे योर एल्डर्स, हेल्प अदर्स, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड बॉय लाइक शिवा। शिवा? यस, शिवा इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सनी। शिवा का नेचर बिल्कुल डिफरेंट था। ही वॉज पोलाइट एंड हम्बल। वो बहुत उदार और विनम्र स्वभाव का था। ही ओबेड एंड रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स एंड ही हेल्प्ड अदर्स ऑल्सो। शिवा सनी का बेस्ट फ्रेंड था और बहुत सनी को समझाता भी था, परंतु सनी के ऊपर शिवा के समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। सनी अपने मन का ही करता था। लेकिन बच्चों, एक दिन की बात है, शिवा, सनी, नेहा, पूजा, राधिका और कुछ आसपास के बच्चे पार्क में फुटबॉल खेलने का प्लान बनाते हैं। सभी बच्चे फुटबॉल से खेलने लग जाते हैं। एवरीवन वाज किकिंग द फुटबॉल हियर एंड देयर, बट वंस राधिका किक्ड द फुटबॉल वेरी फार अवे। राधिका ने फुटबॉल को बहुत दूर किक किया। एट दिस सनी गॉट एंग्री and started fighting with Radhika. He said, "Why did you kick the football so far away?" Sunny को लड़ता देख शिवा ने बीच बचाव किया और कहा, अरे लड़ो नहीं, मैं खुद जाकर फुटबॉल लेकर के आता हूं। शिवा brought the football back and everyone started playing again. फिर से एक बार सभी बच्चे खेलने लग गए एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग प्लेइंग फुटबॉल। सनी किक्ड द फुटबॉल टू दैट साइड ऑफ द पार्क वेयर सम पीपल वेयर डूइंग एक्सरसाइज। इस बार सनी ने फुटबॉल को उधर किक किया जहां पर पार्क में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। सनी रैन एंड सेड, गिव मी माई फुटबॉल। और सनी वहां दौड़ करके गया और कहा कि गिव मी माई फुटबॉल। वन ऑफ द जेंटलमैन गेव द फुटबॉल बैक टू सनी एंड ऑल द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग गेम अगेन। ओ, ये क्या हुआ, अब क्या हो गया भाई? दिस टाइम नितिन हैज किक्ड द बॉल अगेन टू द सेम साइड where they were doing the exercise. Sunny, बिना किसी का इंतजार किए हुए दौड़ करके गया और बोला, हे, मेरी बॉल दो इधर।
अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता है? गिव मी माय बॉल। किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। तभी पास में बैठे बुजुर्ग ने सनी को अपने पास बुलाया और कहा कि दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू योर एल्डर्स। बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। परंतु सनी ने उनकी भी बात नहीं मानी और उनकी बात को अनसुना करते हुए गुस्से में जाकर स्वयं बॉल वहां से उठाकर ले आया। एंड अगेन ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग। सभी बच्चे बहुत देर तक फुटबॉल खेलते रहे। जैसे ही वो लोग अपना गेम फिनिश ही करने वाले थे, तभी राधिका से एक बॉल ऐसी किक हो गई जो पार्क में बैठी एक लेडी को लग गई। यह देखते ही सनी चिल्लाने लगा, डोंट गो एंड आस्क फॉर द फुटबॉल, शी विल शाउट एट अस। सनी को चिल्लाता देख सभी बच्चे सनी को समझाने लगे, कहने लगे, नहीं हमें ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, दिस इज अ बैड मैनर। राधिका ने कहा कि अगर हम किसी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो वो हमें माफ भी कर देते हैं, एंड दे ऑल्सो बिहेव गुड विथ अस। राधिका और सनी दोनों उस महिला के पास जाते हैं। राधिका बहुत पोलाइटली कहती है, आंटी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट वॉज किक्ड बाई मिस्टेक, गलती से मेरे से लग गई थी बॉल, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? द लेडी सेड, नो नो बेटा, इट्स ओके, आई एम ऑल राइट। और यह कह करके उन्होंने फुटबॉल राधिका को दे दिया। राधिका फिर से उन्हें सॉरी बोलती है और फुटबॉल लेकर के राधिका और सनी दोनों वापस आते हैं। फुटबॉल पाकर के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जाकर आंटी को थैंक यू बोलते हैं। फिर सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, सनी के मन में अभी भी वह बात घूम रही थी कि कैसे राधिका ने आंटी से रिस्पेक्टफुली बात किया और आंटी ने भी उसे फॉरगिव कर दिया, आंटी ने भी उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि गलती राधिका से जानबूझ के नहीं हुई थी। सनी ने मन ही मन में प्रॉमिस किया कि अब मैं सभी बड़ों की रिस्पेक्ट करूंगा, कभी उनसे रूडली नहीं बिहेव करूंगा और सभी की हेल्प भी करूंगा। और बच्चों, यही सब सोचते सोचते सनी सो गया। नेक्स्ट डे इन द स्कूल व्हेन सनी मेट शिवा, ही टोल्ड अबाउट हिज प्रॉमिस। उसने अपनी प्रॉमिस के बारे में बताया। शिवा वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट सनी हैज चेंज्ड। तो बच्चों, अब दोनों दोस्त एक जैसे हो गए थे। बोथ सनी एंड शिवा बिकेम ऑफ द सेम नेचर। सो डिड यू लाइक द स्टोरी?